नमस्कार, मैं नंदिता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द ऑर्ट्रेन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सितारे के बारे में जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय की प्रतिभा से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कृति सैनन की, जो ब्यूटी विद ब्रेन का एक सुंदर उदाहरण है। कृति ने अपनी पढ़ाई पूरी कर मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई और आज उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स भी हैं। कृति का एक्टिंग करियर बॉलीवुड में फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड से भी नवाजा गया था। कृति सैनन कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, कहीं उनकी मुख्य भूमिका है तो कहीं स्पेशल अपीयरेंस। कृति ने हीरोपंती के अलावा दिलवाले, राबता, बरेली की बर्फी, लुका छुपी, अर्जुन पटियाला, हाउसफुल फोर, पानीपत आदि फिल्मों में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। कृति बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री है और वे जिस तरह से अभिनय करती हैं उसे देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। कृति ने 27 जुलाई को अपना 31वां जन्मदिन मनाया और इस खास दिन को उन्होंने अपनी फिल्म मिमी से और भी खास बना दिया। कृति अक्सर अपनी और अपने काम से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती रहती है और उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। उनकी फिल्म मिमी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चे भी हुए थे। इस फिल्म में कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी की एक अनोखी जोड़ी देखने को मिली। वो तो मदरहुड पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन मिमी इन सबसे काफी अलग है। सरोगेसी के जरिए माँ बनने वाली इस लड़की की कहानी में कॉमेडी, ड्रामा और इमोशन भरपूर है। इस फिल्म में उन्होंने एक मिडिल क्लास लड़की का किरदार निभाया था, जो एक विदेशी कपल के बच्चे की सरोगेट माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है और इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए भी मिलते हैं। क्योंकि फिल्म में उन्हें एक प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभाना था, इसके लिए उन्होंने 15 किलो वजन भी बढ़ाया। यह किरदार कृति के लिए काफी अलग था। यूं तो एक अभिनेता के लिए उसका हर किरदार हटकर होता है, लेकिन इस फिल्म में कृति ने अपनी सबसे शानदार प्रदर्शन दिया है। चाहे इमोशन की बात करें या कॉन्फिडेंस की, कृति हर सीन में पूरी जान डालती नजर आई है। लोगों द्वारा फिल्म को खूब तारीफ और प्यार मिल रहा है। कृति ने अपनी एक्टिंग से न सिर्फ ऑडियंस बल्कि क्रिटिक्स तक के दिलों को जीता। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में कृति कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली है। उनकी जबरदस्त एक्टिंग स्किल और हिट फिल्मों को देखते हुए कई फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं। जल्द ही कृति सैनन अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फिल्म बच्चन पांडे में नजर आएंगे, जो 26 जनवरी 2022 में रिलीज होगी। खबरों की माने तो कृति आजकल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया की शूटिंग में व्यस्त है, तो वहीं कृति एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म गणपत में भी नजर आएंगे। इन सभी के अलावा कृति के पास एक माइथोलॉजिकल फिल्म आदि पुरुष भी है। कहा जा सकता है कि साल 2021 एक्ट्रेस के लिए काफी अच्छा है। उनके पास बैक टू बैक कई बड़े प्रोजेक्ट्स की फिल्में मौजूद हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।